Hello children, Ravi sir here. Dear children, today we shall discuss The Midnight Visitor by Robert Arthur. The third unit in Footprints Without Feet, the supplemental reader in English for class 10. Dear children, the story is full of suspense with a last minute twist. You know, स्टोरी में लास्ट मिनट में ऐसा ट्विस्ट आने वाला है बच्चों, यू विल बी शॉक्ड, यू नो। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी, ओके? बच्चों, एक देयर इज वन लेट अस से कैरेक्टर मिस्टर फाउलर। फाउलर, मिस्टर फाउलर होते हैं। ही इज एन ऑथर। ही वांट्स टू राइट अ बुक ऑन द लाइफ ऑफ अ स्पाई, सीक्रेट एजेंट, राइट? सीक्रेट एजेंट की लाइफ के बारे में कुछ लिखना चाहता है। सो उनकी अपॉइंटमेंट होती है कि मिस्टर ऑजेबल से। मिस्टर ऑजेबल, ही इज अ स्पाई, अ सीक्रेट एजेंट। दिस फेलो आल्सो ओके एग्रीज के ओके चलो मेरे बारे में कुछ लिखना चाहता हूं, नेवर माइंड, ओके, यू आल्सो एग्रीज। मिस्टर फाउलर पहले, ये दोनों पहले कभी अब तक मिले नहीं है। यू नो, सीक्रेट एजेंट के बारे में इस मिस्टर फाउलर के दिमाग में कई सारे ख्याल हैं कि सीक्रेट एजेंट यानी ऐसा होता है, वैसा होता है। यू नो, ही मस्ट बी अ वेरी यंग, डैशिंग, यू नो, पर्सनालिटी, और उसके आसपास कई, यू नो, दैट काइंड ऑफ, यू नो, एटमॉस्फियर, यू नो, टू थिंक्स अबाउट। एनीवेज, उनकी पहली मुलाकात, अब अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है, चलो मिल लेते हैं। तो मिस्टर ऑजेबल उसे मिलने के लिए बुलाते हैं एक फ्रांस के लिए पेरिस में, एक यू नो ग्लूमी काइंड ऑफ कॉमन, वेरी ऑर्डिनरी काइंड ऑफ ऑटो। आपने भी सोच रखा होगा कि सीक्रेट एजेंट है तो शायद किसी फाइव स्टार होटल में, यू नो, सेवन स्टार होटल में मिलना तय किया होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्डिनरी होटल में, यू नो, उनकी मीटिंग फिक्स हो जाती है, क्योंकि उसी होटल में, फ्रेंच होटल में उसने एक कमरा बुक करवाया है, वहीं पर रुका हुआ है। तो मिस्टर फाउलर उससे मिलने के लिए जाता है। वहां जाकर, होटल में जाकर देखता है तो मिस्टर ऑजेबल कहाँ बैठा है? एक म्यूजिक हॉल में बैठा है, राइट? म्यूजिक सुन रहा है। और मिस्टर ऑजेबल को देखकर ही मिस्टर फाउलर इज शॉक। क्यों? क्योंकि उसने जो सीक्रेट एजेंट के बारे में सोच रखा होता है कि यू नो दोस फैंसी notions, you know, about secret agent, जो भी उसके ख्यालात का romantic ideas के this and that, you know, उससे total उल्टा ये personality, you know, उसके दिखती है। Mr. Ozzable, short hiding, fat, not just fat, very fat, एक hat पहनी हुई होती है, you know, और इसे देखकर ये सोचता है, Ozzable, Fowler, is he the secret agent? Anyways, Ozzable, उसके फेस पर जो, you know, disappointment, निराशा आ जाती है, उसे वो पहचान लेता है कि ये मुझे मिलकर कुछ नहीं हुआ। Anyways, उसे कहता है, चलो मेरे रूम पर चलें, let's go to my room, okay? We'll talk over there. तो रूम की ओर वे चल पड़ते हैं। रास्ते में, यू नो, रूम की ओर जाते समय ऑजेबल फाउलर को कहता है, यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड टू सी मी, इज़न्ट इट? मुझे देखकर बड़ी निराशा हुई होगी आपको, नहीं? क्योंकि आपने तो ये सोचा होगा कि, यू नो, ये तो सीक्रेट एजेंट है, यू नो, सीक्रेट एजेंट है तो कैसा होना चाहिए था? Young, tall, handsome, you know, very fit, very active, very, you know, आपने शायद ये भी सोचा होगा कि कई सारी beautiful women
यू नो माइट बी रोमिंग अराउंड मी, मेरा हाथ में एक आध पर्ची हाथ में अगर सीक्रेट की अगर वो शायद दे जाती होगी, शायद मैं गन लेके बैठा होऊंगा, जिस तरह कई सारे ऐसे ख्याल तुम्हारे दिमाग में आए होंगे, राइट ना। एनीवेज चलो मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा, यू कम फॉर माय होम। आज एक थ्रिल यू नो का एक्सपीरियंस मैं करवाता हूँ मेरे रूम में। चलो एनीवेज दोनों आ जाता है, फाउंडर और ऑजेबुल रूम में आ जाता है, इसके ऑजेबुल के रूम में आ जाता है। बच्चों रूम में एंटर होते ही रूम बंद था इसलिए स्विच ऑफ की सारी लाइट्स, राइट ना, अंधेरा था। जैसे ही उसने लाइट्स ऑन की, स्विच ऑन किया, यू नो, तो माय डियर टू देयर सरप्राइज व्हाट दे सी, यू नो, ऑलरेडी उसके रूम में एक और तीसरा बंदा उसकी उनकी वेट कर रहा था, ही वाज वेटिंग फॉर दैट, और उसके हाथों में गन थी, यू नो, गन पकड़ के उनके उनके सामने ही ताके खड़ा हुआ था। ये तो फाउलर तो हिज यू नो बहुत ही डर गया, बट दिस फेलो इज टेकिंग इट वेरी कैजुअली, इट्स ओके, लाइक यू नो ऑब्जर्वेबल। उसे देखकर ही वो कहता है, मैक्स तुम यहां, You should have been in Berlin, in Germany. तुम्हें तो जर्मनी में होना चाहिए था, बर्लिन में, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यानी इसका मतलब है ऑजेबल जो एक सीक्रेट एजेंट है, मैक्स को पहले से ही जानता है, जो खुद एक सीक्रेट एजेंट है, वो भी सीक्रेट एजेंट है, तो नेचुरली पहचान तो होगी। एनीवेज मैक्स यू नो उसकी तरफ ये बंदूक तान कर, गन तान कर उसे कहता है, दोनों को कहता है डोंट बी स्मार्ट, आई गॉट द इंफॉर्मेशन, मुझे पता लगा है कि तुम्हारे पास आज यू नो खुफिया वेरी सीक्रेट रिपोर्ट्स आने वाली है अबाउट मिसाइल्स, यू नो, और ये बात भी सही है बच्चों, यू नो कि ऑजेबुल आते समय इसे ये भी कहेगा, ये जो कहा था ना कि आज तुम्हें एक थ्रिल का एक्सपीरियंस होगा, यू नो, तो इसी के बारे में, क्योंकि एक सीक्रेट रिपोर्ट्स इसके पास आने वाली है, ऐसे सीक्रेट रिपोर्ट्स जो दैट विल चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, यू नो, एज ही सेज। एनीवेज तो ऑजेबुल कहता है, चलो तो तुम्हें पता लग ही गया है, तो कहता है हाँ मुझे पता लग गया है, और मैं वही रिपोर्ट्स देने के लिए आया हूँ, आई नो दे आर द सीक्रेट रिपोर्ट्स अबाउट मिसाइल्स एंड ऑल दैट। वो कहता है हाँ सही बात है, यू नो दैट इज ट्रू। एनीवेज नाउ दिस फेलो सेज कि ऑजेबुल अब ये सुनने के बाद व्हाट ही डज, एक चेयर वहां पर होती है, उस चेयर में वो बैठ जाता है, फैल कर ऐसे बैठ जाता है, और फाउलर की ओर देखकर कहता है गुस्सा होकर, इस बात तो है ना, मैं इस होटल के मैनेजमेंट को कंप्लेंट करने ही वाला हूं, इस महीने में दूसरी बार है कि कोई यू नो कोई स्ट्रेंजर मेरे रूम में ऐसे घुस आया है, इस खिड़की में से घुस अंदर आया है, और उसे समझाता है फाउलर को, तो फाउलर सोचता है कि खिड़की में से आ गया, यू नो व्हाट इज दिस, देन ही सेज, ऑजेबुल सेज, यू नो व्हाट, इस खिड़की के बाहर जो बैल्कनी है वो बहुत बड़ी बैल्कनी है, और सामने वाले जो अपार्टमेंट है उससे अटैच्ड है, राइट, और इसीलिए दूसरे अपार्टमेंट में से उस बैल्कनी में चलकर यू नो चलकर मेरे रूम में लोग घुस आते हैं, ये दूसरी बार हो गया महीने में, अब इस बार तो उस होटल के मैनेजमेंट में मैं तो कंप्लेन करने ही वाला हूँ। ये कहता है, मैक्स कहता है व्हाट नाउ, मैं तो इस खिड़की में से नहीं आया, I got the pass key, मेरे पास यू नो पास की है,
मास्टर की है, इससे आया है। लेकिन अगर मुझे पता होता कि ऐसे भी आया जाता है तो मैं आ जाता, यू नो। एनीवेज दिस फेलो सेज कि नेक्स्ट इज आधे घंटे से राह देख रहा हूं, देखते हैं कब रिपोर्ट्स आती हैं। ये भी कहता है सही बात है, 12:30 का टाइम था, 12:30 का टाइम था, 12:31 हो गए, अभी तक नहीं आया। अब तभी बच्चों यू नो व्हाट हैपेंस कि दरवाजे पर नॉक नॉक होता है, देयर इज अ नॉक नॉक ऑन द डोर। देन ही सेज, ऑजेबल सेज, चलो कि ये सर्वर इंस्ट्रक्शन, जैसे ही नॉक नॉक होती है फाउलर तो पहले घबरा जाता है, यू नो ही शॉक, ये ऑलरेडी ये सिचुएशन है और उसमें ये नॉक नॉक यू नो आवाज सुनाई देती है। पॉसिबल कहता है ओके मैक्स अब तेरा क्या होगा, कहता है क्यों, पुलिस, कहता है पुलिस, यस, तुम्हें क्या लगता है इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं तो नेचुरली मुझे पुलिस प्रोटेक्शन तो चाहिए ना उन रिपोर्ट्स के लिए, और इसीलिए मैंने ऑलरेडी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था और पुलिस बाहर खड़ी हुई है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दोस रिपोर्ट्स, राइट। और फिर से वो नॉक नॉक होने लगती है। अब ये सोचता है मैक्स यार अब क्या होगा, पॉसिबल कहता है देखो If I do not open the door, मैंने तो उन्हें कह रखा कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी, अगर मुझसे दरवाजा नहीं खुला तो तुम्हें दरवाजा तोड़कर आ जाना है, और वो दरवाजा तोड़कर आ जाएगा, पुलिस आ जाएगी अंदर, और तब तुम्हारा क्या होगा, यू नो। तब वो कहता है मैक्स घबरा गया, यू नो पूरा चेहरा उसका फटका पड़ गया। वो कहता है मैक्स कहता है देखो एक काम करो, मैं यहां से बेल्कनी में चला जाता हूं, छुप जाता हूं, पुलिस आएगी तो उसे कह देना, उसे भेज देना, वापस भेज देना कि एवरीथिंग इज फाइन, ये कहकर उसे वापस भेज देना, ओके। पॉसिबल कहता है ओके एज यू विश। फिर से नॉक नॉक होती है और दरवाजा की जो नॉक होती है यू नो वो घूमती दिखती है और मैक्स को लग जाता है कि अब दरवाजा खुलने वाला है, और इसीलिए पहले एक पैर यहां पर रख देता है, ओके, दूसरा पैर और पीछे जंप लगा देता है, राइट, जंप लगा देता है, और उसके बाद दरवाजा खुलता है, कौन आता है, एक वेटर आता है, ट्रे लिए हुए अपने हाथों में, ट्रे में क्या है, एक बोतल है, दो ग्लास है, बच्चों पूछना मत ये बोतल किसकी है, ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके बोतल और दो ग्लास लेकर वो आ जाता है, कौन, वेटर, रख देता है, उसे कहता है अजम से सर आपने कहा था, ऑर्डर किया था ना कि रूम में वेट भी की हुई, ओके ओके इट्स ओके, ओके यू मे लीव नाउ, चला जाता है। फाउलर स्टिल स्टन, अभी भी घबराया हुआ है, पॉसिबल से कहता है अरे ये तो वेटर था, मैक्स को अगर पता लग गया कि वेटर है पुलिस नहीं है, वो सुन रहा होगा, अगर उसे पता लग गया फिर से अंदर आ जाएगा तो, पॉसिबल कहता है टेंशन मत लो वो नहीं आया, कहता है नहीं आएगा मतलब, हाँ मैं कहता हूं नहीं आएगा, क्यों, विंडो के यू नो बिहाइंड द विंडो एज आई से देयर इज अ बालकनी, देयर इज नो बालकनी एज सच, ऐसी कोई बालकनी है ही नहीं, मतलब सोचो बच्चों यू नो कोई बालकनी नहीं है, ये बालकनी समझकर नीचे कूद गया, सिक्स फ्लोर, यू नो व्हाट, सिक्स फ्लोर, टॉप फ्लोर होटल के टॉप फ्लोर पर से, सिक्स फ्लोर पर से ये बंदा नीचे बैल्कनी है पैर रखने के लिए, ऐसा समझकर कूद गए, कैसे ऊपर आएगा,
राइट ना. सो माय डियर यू नो दिस पॉसिबल व्हाट आर प्रेजेंस ऑफ माइंड यू कैन से प्रेजेंस ऑफ माइंड बिना घबराए हुए बिना डरे हुए सो काम एंड कूल. और ऐसे में भी वो अपना दिमाग यू नो लगाकर अपने दुश्मन को उसने एक कर दिया बिना गन चलाए राइट ना. और ये भी दिखता रहेगा फाउलर कि इस बंदे को मैंने क्या सोचा था पर ये कितना स्मार्ट हो गया. दैट्स व्हाई ही सेड यार यार नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर. इजंट इट. सो डियर चिल्ड्रन दैट वाज द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर. द मिडनाइट विजिटर मैक्स जो खत्म हो गया और हमारी स्टोरी भी यहाँ खत्म होती है. सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन. सी यू सून विद अ न्यू टॉपिक एंड अ न्यू होप ऑफ लर्निंग समथिंग न्यू. टिल देन विश ऑल द वेरी बेस्ट विद टुडेज लर्निंग. बाय. Do you know that?